हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन टॉपिक ऑफ भारत में महिलाओं की स्थिति। आज भारत में महिलाओं की स्थिति पे चर्चा परिचर्चा हम लोग करेंगे। अब महिलाओं की स्थिति पे चर्चा करना है तो उसमें देखिए, आज से नहीं, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, अत्याधुनिक काल, आज के प्रेजेंट टाइम तक की महिलाओं की स्थिति पर हम परिचर्चा करेंगे। अब उसमें सबसे पहले उत्तर वैदिक काल की स्थिति देखेंगे तो उस समय घोसा, पाला, मैत्रेयी, गार्गी और विदुषी सारी महिलाएं थीं। विद्योत्मा के नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ये लोग मंदिरों में जाके पुरुषों के साथ मंत्रोच्चारण करती थीं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करती थीं, ये घुड़सवारी करती थीं, तीरंदाजी करती थीं, बड़े घरों और हाई फाई घराने से जो रिलेटेड रहती थीं वो शिक्षा दीक्षा भी पुरुषों के बराबर शास्त्रार्थ पुरुषों के साथ जाकर करती थीं। तो महिलाओं को सारे अधिकार प्राप्त थे उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में भी थे, लेकिन मध्यकाल में इनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई और मध्यकाल को इनके लिए काला युग कहा जाता है। मध्यकाल में बाहर से जो आक्रमणकारी आए वो सब क्या किए कि कुछ अपने यहाँ पे शादी कर लिए और कुछ बाहर से अपनी मतलब लड़कियों महिलाओं को यहाँ पे लाए। तो बहुत सारी नए नए बच्चे जो पैदा हुए उनका कोई जाति नहीं रह गया, प्रजाति नस्ल भेद हो गया और उनके रूल रेगुलेशन यहाँ पे लागू हो गए। बहुत सारे मुस्लिम वगैरह आए तो वहाँ पे पर्दा प्रथा और चार दीवारी में कैद करके शिक्षा पे प्रतिबंध। अब जैसे मैंने कहा ना कि उत्तर वैदिक काल में महिलाएं जाती थी मंत्रोच्चारण करती थीं, पुरुषों के साथ बैठकर शास्त्रार्थ करती थीं और तीरंदाजी, घुड़सवारी सारे गुण वो सीख लेती थी, लेकिन मध्यकाल में उनको सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाने लगा और उनको चार दीवारी में कैद करके रखा जाता था। शिक्षा दीक्षा से दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं था और इसी काल में सारी बुराइयां कुरीतियां महिलाओं के लिए पैदा हुई। अब जैसे जौहर व्रत, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा और जितने भी कुरीतियाँ थीं महिलाओं से संबंधित, तो उन सबको दूर करने के लिए अपने भारत के जो समाज सुधारक हैं वो लोग आगे आए और उन लोगों ने बीड़ा उठाया उसको जड़ से दूर करने के लिए। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर उसको ख़त्म किया और बाल विवाह निरोधक अधिनियम हर विलास शारदा के प्रयास से एक एक्ट लागू हुआ 1829 में, तब जाके उसको शारदा एक्ट कहा गया। उसमें एज निर्धारित की गई कि कम से कम लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल का होना चाहिए, तब जाके विवाह संपन्न किया जाएगा। और उसके बाद दहेज निरोधक अधिनियम बना 1961 में, उसमें एक बार संशोधन भी किया गया 1986 में और उसकी जुर्माना की राशि और कारावास की अवधि को बढ़ाया गया। उसमें पहले 1961 में था कि 500 रुपये जुर्माना की राशि, 6 महीने कारावास की अवधि थी और 1986 में 2 साल जुर्माना कारावास की अवधि और 15,000 रुपये जुर्माना की राशि तय की गई। लेकिन आज के डेट में भी हम आप सभी लोग देख रहे हैं, ये हमारे आपके सबके प्रयासों का मतलब नतीजा है कि हम लोग नहीं करते हैं, लेने वाले ले रहे हैं, देने वाले दे रहे हैं, ऐसी से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और प्रथा की जगह दहेज प्रथा की जगह क्या हो गई, कुप्रथा हो गई। एक्ट तो सरकार ने बना दिया, संविधान में बना पड़ा है, नियम कानून सब है तो 61 से ही बना है। 86 में एक बार रिकमेंडेशन संशोधन भी हो गया लेकिन उसमें कहाँ लागू हो रहा है, लेने वाले ले रहे हैं, देने वाले दे रहे हैं, तो इसलिए कुप्रथा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाया गया, उस पर उसको मतलब लगाया गया था तो उसको हटाया गया और ये हुआ कि विधवाओं को फिर से पुनर्विवाह किया जाए। विशेष विवाह अधिनियम 1854, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये सारे एक्ट बने और उसके बाद मध्यकाल को काला युग जो कहा जाता था। आधुनिक काल आते आते हमारे देश के जो पुनर्जागरण के मसीहा थे राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, ये सारे लोग मिलके प्रयास किए और फिर से समाज में एक नई चेतना जागृत किए और महिलाओं की स्थिति को काफ़ी सुधारा। और मध्यकाल के बाद फिर आधुनिक काल आया। आधुनिक काल में जितने लॉर्ड थे, विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड रिपन थे, स्वशासन और हड़प की नीति वगैरह, इन सबको समाप्त किया उन लोगों ने और नए नए एक्ट लागू किए जिसमें समाज के उद्वलित और शोषित, दलित, उपेक्षित लोगों का विकास हुआ, वो लोग आगे आए और समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ा गया, उसमें महिलाएँ भी थीं। अब फिलहाल हम लोग तो आज महिलाओं की स्थिति पर वाद विवाद चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल, ये तीन काल हो गया। मध्यकाल में इनकी स्थिति नाजुक थी, इनको काला युग के लिए कहा गया, शारीरिक कुरीतियाँ कुप्रथाएँ इसमें शुरू हुई, लेकिन इनका अंत करने के लिए इसी काल में प्रयास किया गया हमारे देश के समाज सुधारकों द्वारा, कुछ अंग्रेजों द्वारा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड रिपन थे और सती प्रथा निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम और आपके
जितने सारे अधिनियम थे सब इसमें बने। उसके बाद अत्याधुनिक काल आया, इसमें महिलाओं की स्थिति, अब तो महिलाओं को हर क्षेत्र में आज़ादी है, अब तो मौलिक अधिकार बन गया। देश संविधान लागू हो जाने के बाद, आज़ाद होने के बाद जो बना है उसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई दलित उपेक्षित शोषित पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जात का हो, जनजाति को, सबके लिए समान अधिकार दिया गया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सोशल सुरक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिन्होंने अम्बेडकर ने, जो हमारे मसीहा थे दलितों के कहे जाते हैं, उन्होंने उसको संविधान की आत्मा कहा है। तो इस तरह से आपके उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीनों कालों महिलाओं की स्थिति को हमने देखा और उसके आधार पर हम आज के डेट में महिलाओं की स्थिति को बहुत सुधार पाए। अन्य देशों की तुलना में इंडिया में बहुत सारे अधिकार महिलाओं को मिले हैं, वोट देने के अधिकार से लेकर उनको संपत्ति में भी अधिकार मिल रहा है, उनको हर चीज़ में, परिवार में कोई काम हो रहा है तो उनसे ओपिनियन ली जा रही है। पहले था ज्वाइंट फैमिली में सिर्फ बड़े हेड जो थे वो कह देते थे, उनके हृदय में सब काम करते थे, अब ऐसा नहीं है, सब का फैमिली में ओपिनियन लिया जाता है। तो इस तरह से अब बाल विवाह भी नहीं हो रहे हैं, विलंब विवाह की संख्या बढ़ोतरी हो रही है, दहेज निरोधक अधिनियम, अब दहेज ही ज़्यादातर लड़के लड़कियां जॉब कर रहे हैं तो दूसरे पसंद कर ले रहे हैं, तो उसकी संख्या में भी घटोत्तरी हुई है। दिन ब दिन चीज़ें चेंज होती जा रही हैं और होते होते अभी एक आध पीढ़ी लगेगी, लेकिन महिलाओं की स्थिति में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। खासकर मध्यकाल में की स्थिति ज़्यादा नाजुक हो गई थी, उत्तर वैदिक काल में की स्थिति बहुत अच्छी थी, वैदिक काल में भी ठीक थी, लेकिन मध्यकाल में कालायुग कहा जाता है, उसी काल में सारी कुरीतियाँ कुप्रथाएँ शुरू हुई और उसके बाद सुधरते सुधरते आधुनिक और अत्याधुनिक काल में की स्थिति बहुत सुधरी है और आगे और सुधरती ही जाएगी अगर हमारा आपका सबका प्रयास रहा तो। अकेले सरकार के बस का नहीं है कि एक्ट बना दे और लागू कर, जब तक हम आप सभी लोग उसमें जागरूक नहीं होंगे और जन सहभागिता नहीं करेंगे, स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, रैली के माध्यम से लोगों के अंदर चेतना जागृत करेंगे, तब तक ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। दैट्स ऑल, आशा है कि आपको मेरा पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।